हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको फ्रेंच चोटी बनाना सिखा रही हूँ। तो सबसे पहले अपने बालों को अच्छे से कॉम कर लीजिए। उसके बाद आपको टॉप से थोड़ा से बालों को लेना है, जैसे कि मैं ले रही हूँ। ये देखिए, ऊपर से कॉम की हेल्प से आप अपने बालों को ऐसे ले लीजिए। मैंने थोड़ा सा बालों को वेट किया है, इससे चोटी और अच्छी बनेगी। इस तरह से आपको बालों को ले लेना है। ये देखिए, अब हमने ये बाल ले लिए हैं। इसके बाद आपको उस पोर्शन में से थोड़े से बाल राइट साइड से लेने हैं और थोड़े से बाल लेफ्ट साइड से लेने हैं, और उनको हमें घूमना है जैसे हम नॉर्मल चोटी बनाते हैं। लेफ़्ट राइट डायरेक्शन में हम इनको पार्टीशन से गूंदेंगे। फ्रेंड्स, ध्यान रखें कि दोनों साइड से बाल इक्वल पार्टीशन में डिवाइड होने चाहिए। ये देखिए, ऐसे आपको दोनों साइड से चोटी को गूंदना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आपको साइड से दोनों साइड थोड़े थोड़े बाल लेते जाने हैं और चोटी को घूमते जाना है। जितना ज़्यादा हो सके टाइट होनी चाहिए। ऐसे ही मैं राइट साइड से हेयर्स को ले रही हूँ और ऐसे चोटी इसकी हम बनाते जाएंगे। बिल्कुल टाइट रखने हैं आपको, ज़्यादा इतना टाइट ना करें कि आपको पेन हो हेड में, बट इसको ज़्यादातर टाइट ही रखना है। ऐसे हम पूरा फुल नीचे तक चोटी को बनाते रहेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसे ही हमें एक एक साइड से बाल लेते जाने हैं, और कितनी नीटली ऐसे आप फ्रेंच चोटी अपने घर पे बना सकते हैं। आपको कहीं पार्टी फंक्शन में जाना हो और आप किसी भी तरह के एक्सेसरीज इसके ऊपर स्टाइल कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो हम इसी तरह से इसको नीचे तक पूरा, जितने आपके हेयर्स की लेंथ है वहाँ तक आप इसे चोटी को ऐसे बनाते जाएं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब इसे लास्ट तक ऐसे ही कंप्लीट करते जाना है। मैं एंड में इसमें रबड़ लगा रही हूँ। इसके बाद हम कोई भी तरह की एक्सेसरीज यूज़ कर सकते हैं। मैं कुछ हेयर पिंस, मैं इस पे ऐसे बीट्स लगा रही हूँ। आप कोई से भी कलर की लगा सकते हैं या फिर कोई भी हेयर पिन यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आप अपनी फ्रेंच चोटी को डेकोरेट कर सकते हैं। आपको पार्लर में जाकर ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठ के भी ऐसे हेयर स्टाइल बना सकते हैं। तो ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये फ्रेंच चोटी। आप इसे ज़रूर घर में ट्राई करें। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट।